الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا نبي الله فبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازا تھی دنیا اب وہ زمانہ لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے نور جس ضرب سے ہل دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے درود پاک پڑھ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگو عزیز و دوستو آج کا یہ پروگرام خالص اللہ کی رضا کے لیے سجایا گیا ہے اور تمام اس وقت معززین سوسائٹی معززین علاقہ کو بشمول علماء اکرام سمیت آج اس خوشی کے موقع پر دعوت دی گئی ہے
कि आपके इस इलाके में अल्लाह जल्ला शान का एक और घर बन रहा है। और इस घर की तामीर और तरक्की के लिए जिसका नाम जामा मस्जिद अक्सा है, आप हजरात को मुशावरत के लिए बुलाया गया है। और मशहूरा मस्जिद नबवी के बड़े अमलों में से एक बड़ा अमल है मा खाब मन इस्तखारा मा नदिम मन इस्तशारा, किसी काम की इब्तदा पर इस्तखारा करने वाला, मशुरा करने वाला अल्लाह को भी शर्मिंदा नहीं करता। इस्तखारे में मशुरा अल्लाह से होता है और मशुरा उन खास लोगों के साथ किया जाता है जो अंदर और बाहर से मुखलिस हो। अगर मार्केट बनाने का मशवरा किया जाए तो मार्केट के लोगों को बुलाया जाता है, अगर अल्लाह के दीन के काम के लिए किसी बात का मशवरा किया जाए तो उन लोगों को दावत दी जाती है कि जिनको गुनाह करते हुए ये एहसास हो कि अल्लाह देख रहा है। हमारी इस्मत को गहराई में के बुजुर्गों से सन 87-86 से रही और फैज मिला बड़े हजरत जी नामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके वफात के बाद मौला जुबैर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से साहब जी मेरा दसना मैं फिर इस दौर के अंदर जिस दौर में इज्जत बचाना भी मुश्किल, ईमान बचाना भी मुश्किल, मोटरसाइकिल वाले हजरात, गाड़ी वाले हजरात, कार वाले हजरात, जब बारिश आती है और मूसलाधार बरसती है तो हर बंदा अपने कपड़े लिबास पैसा मोबाइल बचाने के लिए कोई सहारा, कोई छत पेट्रोल पंप की छत, दरख्त का सहारा, कोई दीवार की कोट तलाश करता है ताकि उसके कपड़े मोबाइल पैसा बच सके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीन चीजों में कभी ना करना, ये तकरीब की निशानी इज्जत। किसी महफिल में जाकर बैठो, अगर तुम्हारी कमर के पीछे कोई तकिया रखे, कोई टेक देने के लिए सहारा देने के लिए दो तकिया वाले साथ, उसे कभी ना नहीं करें, इज्जत की निशानी। कोई तुम्हें दूध पेश करे ना ना करना, बेशक पीनी नहीं है तो उसे लेके रख लो, मेरी मरहूब जी मेरी पसंदीदा चाचा मेरा पसंदीदा मशरूम है। तीसरी चीज खुशबू, जिनको एलर्जी दस्त की प्रॉब्लम होती है सांस की, इनको सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं खुशबू इस्तेमाल ना कीजिए। पता नहीं हलाल या हराम, पता नहीं किस केमिकल से वो पंप बना हुआ, वो तो ले सकते हैं तुम खुशबू नहीं ले सकते। डॉक्टरों के पास गए, खासकर नजर वाले डॉक्टरों के पास, उनका एक बात का ख्याल करेंगे, अगर आप मेरे ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे तो सोच मान मर जाएगा। और आप जितने सारे बैठे हो, मैं लिटाती थी गोद में और बाजुओं को भी बांधती थी और बड़े बड़े डोरे सुनने के डाला करती थी, और जो सुरमे की पाबंदी करते अल्हम्दुलिल्लाह कायनात उनके करीब चश्मा करीब नहीं आता, और जो सुरमे की पाबंदी नहीं करते पैदाइश में 6 नंबर की उनकी अलग होती थी। इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जितना इस सुन्नत का शौक और उस बढ़ अपनाने की रगबत इंसान होगी, उतना अल्लाह का कुर्ब होगा और मदीने की ठंडी हवाएं रोजा रसूल से मिलेंगी। फिर मैं अपनी बात की तरफ आऊं, मैं अर्ज नहीं कर रहा था कि इंसान आंधी तूफान में किसी साए किसी चीज का सहारा ले ताकि अपने आप को इन चीजों से बचा सके। इसी तरह जब इंसान के ईमान पर डाका डलने लगे
और पैसा तो उसके पास बहुत आए, लेकिन ईमान कमजोर होता चला जाए तो फिर इंसान को ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए कि जहां दिल का रूहानी डॉक्टर बैठा हो और वो इंसान की रूहानियत का इलाज करे। जैसे एक आदमी था जो भी कारोबार करता था, उसके दिल में मेरी तरह और आपकी तरह ख्याल है, लग रहा है मेरा रिजल्ट किसने मार दिया। पहले दो रकात सलात हाजत पढ़ के उससे मुलाकात करके देखे, आए भी मैं काम कर रहा हूं तुझे मंजूर है? अगर तेरे खाते में मंजूर है तो दुनिया चाहे तेरे रिजल्ट बांधे, तेरे रिजल्ट में कमी नहीं आ सकती, और अगर तेरे खाते में मंजूर नहीं तो पूरे दुकान और पूरे प्लाजे और पूरे दफ्तर की दीवारों पर पूरा कुरान लिखवा दे, तेरे घर पर नहीं आ सकती। अल्लाह को मोमिन अल्लाह की रजा पर राजी होना चाहता है। आज दौर के जिनों ने अपने आप को अल्लाह वाला बना रखा है वो इंसान के पैसे से देखते हैं, जो आप टीवी में देखते हो 24 घंटे में मर्जी के मुताबिक शादी, 24 घंटे के अंदर कारोबार बीच खत्म कर, उस बेवकूफ को कहो कि अल्लाह के बंदे अगर तू 24 घंटे में परेशानी हल करता है तो तूने अपनी दुकान चलाने के लिए दो रोटियों के लिए जो अखबारों और टीवियों के अंदर इश्तहार कर देता हूँ, तेरा से मुलाकात के लिए 3-3 महीने का टाइम लेना चाहिए, इससे बात बहुत नहीं होगा। लेकिन हमारी कमजोरी है, हमारी एक आदमी कारोबार करता था, लाख लगाया नुकसान, 2 लाख लगाया नुकसान, 3 लाख लगाया नुकसान, उसे दिल के अंदर ख्याल आया कि मैंने किसी रूहानी तबीब के पास था और वो सही अकीदा जगह चला गया, उन्हें जाके अल्लाह से दुआ फरमा दे। अब दुआ फरमा दी, हम दुआ तो बड़ी जल्दी फरमाते हैं और दुआ फरमाने में बड़े चोड़ होते हैं कि मुझे दुआ करो, हाथ उठा दुआ कुछ मर्ज के दौरान वैजा मरीज की हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीमारी को अपनी तरह महसूस किया और जब मैं बीमार होता हूँ फहु यशफी, वो शिफा देता है, यानी मालूम हुआ बीमारी जो आ रही इंसान के अपने करतूतों की वजह से, जार अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदीना, जो परेशानी आ रही है कि तेरी बदामालियों की वजह से, वो तो साफ सुथरा निजाम कायम कर भाई साहब, जब मैं बीमार होता हूँ यूनिका जब तू बीमार करता है भाई साहब, जब मैं होता हूं तो अपनी शिफा तेरी तरफ से मिलती है। इस दो जुमलों के अंदर पूरी जिंदगी गुजारने की तौहीद समझा दी कि इंसान पर जो बुरे हालात आते अपने हाथों की वजह से, अल्लाह किसी के बुरा नहीं सोचते। कारोबार करते करते थक गया, अल्लाह वाले के पास गया और जाके कहने लगा, अल्लाह वाले परेशानी है, रोजाना डूबता जा रहा हूं, कर्जे का बोझ सर पे है, कोई कर्जा उतरने की कोई सबील नजर नहीं आती, अल्लाह वाले मेरे लिए कोई दुआ फरमा दो। अल्लाह वाले कहने लगे, दुआ तेरे लिए बाद में करूंगा, पहले बता परेशानी कहां से आई। अगर डॉक्टर उसी को कहेंगे जो सर दर्द दर दर्द दो सर दर्द की दवा देगा, कहते नहीं देगा। अगर वह डॉक्टर वो है जो मर्ज को पहचानने के बाद उसके मुताबिक इलाज करेगा, वरना मेरे जो मरने की देर है पूरी किताबें निकाल के डायरी निकाल के देख लो, नुस्खे निकाल के देख लो कितने कितने नुस्खे पड़े हुए हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया, बता तेरे पे मर्ज क्या है? कहने लगा, अल्लाह वाले आंख में हाथ डालता हूँ राख निकलता है, अल्लाह वाले सोना हाथ में ले तो मट्टी बन जाता है, अल्लाह वाले ने सर से लेके पांव तक नजर दौड़ाई, फरमाया तेरे मर्ज की तशखीस ना कर दूं या तुझे मैं इलाज बताऊं या दवाई दे के भेज दूं, अल्लाह वाले मुझे दवाई ना दे, दवाइयां तो मैं कब से लेता आया, मैंने पूरा कमरा दवाइयों से भर दिया, अल्लाह वाले मेरी पॉकेट के अंदर भी तवीज है, मेरे पांव पे भी धागा बंधा हुआ, मेरे हाथ की कलाई में भी धागा बंधा हुआ, मैंने गले में भी तवीज लगा रखा है, दुकान के फ्रंट पे तवीज लगा रखा है, अल्लाह वाले मैं तवीज लेता लेता थक गया, आप भी मेरे लिए ऐसा नुस्खा तजवीज कर दीजिए ताकि मेरे बुरे हालों पे खुदा को रहम आ जाए। अल्लाह वाले ने फरमाया, तो अपने पे रहम कर, परवरदिगार आलम तेरे पे रहम करेगा। अल्लाह वाले ने अपने पे क्या रहम करूं, सर से लेकर पैर तक नजर डाली, फरमाया तभी तुझे बाद में दूंगा, पहले जो तू काम करता है उस कारोबार के अंदर कम तो न छोड़ दे, परवरदिगार आलम इज्जत में बरकत अता फरमाएगा। ये चौक लगी
जब लगी जोर से छोड़ते हो तो गलती तो घर से हो, गलती तो घर से। आपने सामने देखा वो दरख्त है और उस दरख्त पर अनार लगा हुआ है, ना आंख ने खाया ना आंख ने पकड़ा, और दरख्त भी माली उसका निगहबान है, माली उसकी हिफाजत कर रहा है। आंख ने देखा पांव चल के गए, दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, दबाव ने सोचा माली इधर जाएगा मैं इधर हाथ कर लूंगा, इस हाथ के देखने पे दिल दबाव हरकत के अंदर आ गए, पांव हरकत के अंदर आ गए। जब दरख्त के पास गया तो पांव चल के गए, पांव ने पकड़ा ना, हाथों ने हाथ चल के नहीं गए, हाथों ने जाके तोड़ दिया, हाथों ने खाया कोई नहीं, मुंह में डाला मुंह ने संभाला कोई नहीं, अंदर मुंतकिल कर दिया। जब अंदर मुंतकिल कर दिया, इस आंख ने देखा पैर चल के गए, हाथ ने पकड़ा, दांतों ने चबाया दांतों ने रखा कोई नहीं, अंदर मैदे के अंदर चला गया। माली को खबर हुई, माली ने आके पकड़ा और उसकी कमर पे डंडा मारा, उसकी कमर ने कहा खाया किसने डंडा मेरे, बड़ा कसूर क्या है, देखा इसने डंडा मेरे, बड़ा कसूर क्या है, अल्लाह अकबर। जब डंडा पड़ा, जब उसे तकलीफ हुई तो उसने की किया तो उसकी आंख से आंसू निकला, मालूम हुआ इब्तदा आंख ने की थी और आपको अल्लाह जल्ला साहब ने सजा अता फरमा दी। हाथ मेरे गुनाहों के अंदर भरे हुए हैं, हाथ मेरे नाम तौल के अंदर कभी करने पे भरे हुए हैं, हाथ मेरे दो नंबर चीजों को एक नंबर चीज बना के करने में भरे हुए हैं, और मेरे चाचे ने मेरे पे तवीज कर दिया, मेरे भाई ने मेरे पे तवीज कर दिया। ये तो इंसान को शैतान ने ऐसा धोखा दिया कि तुझे धोखे में लाला के मारूंगा, तुझे तेरा ईमान भी साथ में जाने दूंगा, और अपने तेरे रिश्तेदारों के हाथों से भी खबर बतरने की तुझे को दूंगा। हर आदमी मेरा जीरो दूसरे की तरफ नजर उठा के कहता है इसने बेड़ा गर्क कर दिया, इस्लामाबाद वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया, असेंबली के अंदर बैठने वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया, कराची वाला भी इधर उंगली उठा रहा है, पिशावर वाला भी इधर उंगली उठा रहा है, परदेश पाकिस्तान से बाहर वाले भी उंगली उठा रहे हैं, कई लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। 74 साल से हमारे पे हुकूमतों का तसल्लुत हो रहा, बताओ अवाम के बारे में किसने सोचा? मेरे अजीजों, ना हुकूमत कुछ कर सकती है, ना हुकूमत के नुमाइंदे कुछ कर सकते हैं, ना अपनी ताकत कुछ कर सकती है। जब तक ये बात दिल के अंदर इस बात का यकीन नहीं आ जाएगा, नुकसान देने वाला नफा देने वाला सिर्फ एक अल्लाह का जात है। अपनी जिंदगी का तरस ठीक कर लो, अपना उठना बैठना, अपना सोना जागना, अपना खाना पीना जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ पे ले आओ। रब्बे काबा की कसम, सब 50 साल से बिगड़े काम है, अल्लाह पाक के इकरार के अंदर बनाने में देर नहीं करेगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला के पास दस्तरखान लगा, फलूदा आ गया, अल्लाह अकबर, आपने दो उंगलियां डुबो दी और फिर आपने जुकर के उठाया, उसको अपने हाथों में लेके मलना शुरू कर दिया, उसके नरम नरम नखोए के दाने आ गए, मेरे जात की आगे उंगलियों में पकड़ दिया, पकड़ लिया और कहने लगे बड़ा अच्छा होता होगा, इसका जायका इसकी लज्जत कहती है, बड़ा अच्छा भला मालूम होता होगा। अली तो इतनी तारीफ इसकी कर रहा है, इतनी तारीफ इसके बारे में सुन रहा है, एक चमची खा क्यों नहीं लेता? जब इतना कहा, अपने हाथ से निकल के फलूदे को परे कर दिया, रब्बे काबा की कसम 23 साल तक हुजूर के साथ रहा, मैंने एक मरतबा भी हुजूर के दस्तरखान पे ऐसा खाना नहीं देखा। अगर रहमत वाला नबी जो की रोटी के टुकड़े खा कर चला गया, अली फलूदा खाए, क्या पता कयामत के दिन उनके होजे को सबसे दूर न खड़ा कर दिया जाए। ये थोड़ी सी बोतल दे, शुगर की सी लो, अल्लाह वाले के पास चला गया और जाके कहने लगा, अल्लाह वाले बता क्या करूं? फरमाया तेरी तवीज, तेरी जेब में तवीज दे दूं या मैं तुझे बतलाऊं? अल्लाह वाले क्या बतलाएगा? फरमाया नाप तौल के अंदर जो कमी करता है वो कमी छोड़ दे, परवरदिगार आलम की इज्जत में इजाफा फरमा देगा, परवरदिगार आलम की इज्जत में इजाफा फरमा देगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी एक दिन हजरत उमर को याद करके हाथ उठा के रोने लगी, फरमाया उमर तेरा बंदा भला करे, तो मेरा ईमान बचा के चला गया। ईमान कब बचा था? जब माले गनीमत में मुश्क आई थी, उमर ने अपनी बीवी को तोड़े से मना कर दिया था, फरमाया बेशक तू इसे कपड़ों पे नहीं लगाएगी, बेशक शीशी में डाल के तो अपने घर में रखेगी, ऐ मेरी घरवाली जब तू मुश्क उठा के तराजू में तोलेगी, तेरे हाथों पे मुश्क लगेगी, उसकी खुशबू का भी कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा।
मेरे अजीजों नमाज पढ़ के घर जा रहे हैं, मेरे अजीजों रोजा रख के घर के अंदर जा रहे हैं, अल्लाह अकबर तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जा रहे हो, नमाज पढ़ने के घर जा रहे हो, आपने रेडी देखा आपको बेहतरीन करने की गटेरियां नजर आई, आपको मुंगफली नजर आई, आपको चकवाल गिरे हुए नजर आई, आप हैसियत में आला थे, रेडी वाला हैसियत में कम था, आपने मुंगफली के दो दाने उठाए, क्या भाव दे रखी है, लगनी 200 रुपए किलो, अच्छा भाई इसका तो जायका मीठा कोई नहीं, तूने मांगे तूने रेट पूछा उसने रेट बता दिया, तूने ली कोई नहीं उसने तुझे ली कोई नहीं, लेकिन ये दो दाने रेडी से क्यों खा के गया, या तो उसी वक्त तुझसे माफी मांगा या मुआवजा दे, तुझे पता ही ना चला तुम दो दानों के पीछे अपने 5 साल की मकबूल लेके उसे दे के चला गया। बगैर इजाजत के किसी के घर घर शायद को इस्तेमाल करना छोड़ दो, लोगों की आदत होती है कि अपना तौलिया इस्तेमाल करते हैं, लोगों की आदत होती है अपना तौलिया इस्तेमाल करते हैं, लोगों की आदत होती है कि अपना साबुन खुद इस्तेमाल करते हैं, एक बंदा कितना गलती भी जाएगा उसका एक अपना अंदाज है, जैसे हमारे मेरा मैं किसका तौलिया इस्तेमाल नहीं करता, गया अल्लाह को उसने आज तक साफ किया, एक आदमी उसी तौलिया में मुंह के गगड़ रहा है, क्यों कानों के अंदर दिल दर्द करके दे रहे हैं, बस उसने किरात की उसका दिल टूट गया, पूछ लो उलमाए किराम से दिल टूट तोड़ना कबीरा गुनाह है, जब तक माफी नहीं मांगोगे खुदा की कसम अल्लाह के दरबार से गुनाह माफ नहीं होगा। एक आदमी मरने के बाद किसी के ख्वाब में आया, कमियां तेरे साथ क्या बनी, सारे अमलों में बेड़ा पार हो गया, किसी के घर बैठा था उसकी औकात के अंदर दांतों को करेलने वाली कुछ भी रखी हुई थी, मैंने बगैर इजाजत के शीशी उठा दी और उसने से तिनका निकाल कर नरमी करके दांतों में तोड़ दिया, और मां कब्र के अंदर इसका हिसाब हो रहा है, मेरे से दिए नहीं जा सका, जाओ जाओ उसके घर चले जाओ और कह दो कि मेरे बाप ने तेरी एक कुछ भी इस्तेमाल की थी खुदा के वास्ते उसको माफ कर दे। गांव देहातों से उठ गए सोसाइटी में मकान बनाने वालों, फकीर झोली फैला के दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तुम्हारे मकान में बरकत अता फरमाए, तामीराती काम में अल्लाह पाक कोई रुकावट न डाले, अल्लाह गैब से पैसे का इस्तेमाल करवा दे, लेकिन इन ऊंची दीवारों में अगर गहर का हक शामिल हो गया तो रब्बे काबा की कसम है तुम्हारा इस कलूनी के अंदर मकान तो आला नजर आएगा, लेकिन स्लीपिंग रूम में तुम्हें रात का सुकून नहीं नसीब होगा। फैसले अल्लाह के अटल, इंडिया के बुजुर्ग मौला सज्जाद नमानी साहब कहने लगे जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ, माँ रो रही थी, भाई गले मिल के बहनों के साथ रो रहे थे, मैंने फौरन उस कमरे की लाइटों को बंद कर दिया, मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया, मैंने घर के पंखों को बंद कर दिया, मेरे सारे घर वाले कहने लगे लगता है इसके ऊपर बाप की जुदाई का ज्यादा असर पड़ गया, कोई मुझे पानी पिलाने लगा, कोई कहने लगा सज्जाद क्या हुआ, अब्बा जान की जुदाई में लगता है पागल हो गया, पागल नहीं हुआ सही काम किया ताकि अब्बा जान की बख्शिश हो सके, बहन बेटियों का बोझ बाप ना लेके जा सके, जब तक अब्बा जिंदा था सारे घर का खर्चा बाप के जिम्मे था, बाप की मिल्कियत से होता था, अब्बा जान का इंतकाल हो गया, अब एक सुई भी घर की बाप की मिल्कियत नहीं रही, बहन भाइयों की विरासत बन गई है, पहले सारे बैठ के मशवरा करो, अभी विरासत तकसीम नहीं हुई, सारे बैठ के मशवरा करो, 3 दिन तक बरादरी आएगी, खानदान आएगा, लोग राजे दिकर त्याजे चढ़ने के लिए आएंगे, जो 3 दिन बिजली इस्तेमाल होगी हमने बाप की विरासत में से 1 रुपया नहीं लेना, पहले सारे मुश्तरका बैठ के तो इजाजत दे दो, वरना बताओ इन 4 दिन का बिल कौन अदा करेगा, खुदा की कसम मां के हाथ उठ गए, कहने लगी इस बाप को चाहिए बेफिक्र होकर कब्र के अंदर चला जाए, जिसकी औलाद इतना हराम माल से बचती है उसके बाप को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। या तो हमने बड़े भाई को देखा अपू का इंतकाल हुआ, बाबा चक्चक की गायब कर दी, बाप का शराबी कारण ही गायब कर दिया, और मेरे लाल और मेरे वीर और मेरे भैया कितने दिन खाएगा खुदा की कसम, मौत से पहले तुझे एक एक सांस के लिए जवाब देना पड़ेगा, अस्पताल में मरेगा, गली में मरेगा, बाथरूम में मरेगा, बिस्तर पे मौत नहीं आएगी, बिस्तर पे मौत आएगी, खुदा के घर में मौत नहीं आएगी, अल्लाह के रास्ते में मौत नहीं आएगी, कलमा तैयबा पढ़ते मौत नहीं आएगी, ईमान की हालत में मौत नहीं आएगी, इलाही नमाजों के छूटने की सजा मिल गई है, नहीं नहीं, रोजे भी रखे सजा मिल गया, नहीं नहीं, जकात भी दी सजा मिल गया, नहीं, फरमा इसका सारा सारा हिसाब दो, मैं रोजे जदा के भी लूंगा, इलाही सिसक सिसक से क्यों मर रहा है, कि मैंने रोटी दरवाजे से चली गई थी, ये बहनों का हक खा गया था, ये बहनों का हक खा के जो जिसने तक
हजार बार अपने जिंदगी का सुकून ही छीन लिया। उस वक्त मेरा रब अजीम ने ऐलान किया था, अगर तू बैदों का खाएगा मुझे मेरी जिंदगी की कसम है, न तुम्हें न के चैन से जीने दूंगा ना चैन से मरने दूंगा। आज जब मैं मस्जिद अक्सा की इफ्तिताही तकरीब पर आने वालों, अगर फकीर कहे तो मैं हाथ भी आपके आगे जोड़ देता हूँ, अल्लाह के वास्ते बेटियों का बहनों का हक उनके दरवाजे पे जाके दे के आओ, ताकि तेरे मेरे बीमार होने पे मर जाने पे मैंने हाथ उठा के दुआ करे। एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी आया, कहने का हजरत जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं एक दरवाजे पे जाके धक्के का, तो वो कहता सुबह आना शाम आना, वो हाँ करेगा जब तक दस्तखत नहीं करेगा मेरा काम नहीं बनता। अजी मेरे लिए दुआ फरमा दो, आपसे मैं बैत हूँ, आपसे मेरी निस्बत है, फरमाया मैं तेरे लिए दुआ तो हर वक्त करता हूँ, अगर अपने खाम को करवाना चाहता है जा घर चला जा अपनी माँ से जाकर दुआ करवा। कहने जिसका तो इंतकाल हो गया, फरमाया बहन तो घर होगी, फरमाया ब्याह करके उनको रुख्सत कर दिया, फरमाया बेटी तो घर में है, जी हाँ जा बेटी से जाकर दुआ करवा गया, चला गया और घर जाके मेरा सीधो अपनी बेटी के सर पे हाथ रखने लगा। कहने लगा बेटी बड़ा परेशान हो, पीर साहब ने कहा जब बेटी से दुआ करा दिया। बेटी कहने लगी अब्बा मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, थोड़ी देर बात करूंगी। अब्बा ये कह के रात हो गई, अब्बा जान बिस्तर पे जाके लेट गए। बेटी उठी, उसने मुसल्ला उठाया, बाप के सराहने ला के बिछा दिया, किबले की तू दम उतर के हाथ उठा के रोने लग गई। कहने लगी अर्श वाले ने ये मेरा बाप है, परवरदिगार आलम ये मेरी मां रिज़्क का रखवाला, ये मेरी इज्जत का रखवाला, इलाहुल आलमीन इसकी हलाल की कमाई की बरकत की वजह से इतने से इतनी हो गई। अल्लाह आज मेरा बाप परेशानी में सो रहा है, पता नहीं नींद भी आ रही है कि नहीं। मैं हाथ उठाती हूँ, अल्लाह मेरे अब्बा की परेशानी हल कर दे। बेटे ने आंसू निकाल के मुंह पे हाथ फेरे। अगले दिन वो मुरीद पीर साहब के पास गया, कहने लगा बाबा जी जिस दरवाजे पे मैं जाता था दरवाजे मकान वाला मिलना दोबारा नहीं करता था, सुबह वो कागज लेके मेरे दरवाजे पे आ गया, लगता है बेटी ने रो के दिखाया, अल्लाह ने मेरे कामों पे मुस्कुरा के दिखा दिया। नौजवानों खुदा से पहली बेटी मांग लो, जिनकी शादियां हुई हैं या जिनकी होने वाली हैं या जिनकी घर वाली उन्हीं से है, अल्लाह से बेटी मांग लो। मैंने अपने बड़ों से सुना अल्लाह बेटे भी दे नसीबों वाले दे, लेकिन बेटों को हमने देखा बाप की जायदाद की वारिस बन जाते हैं, बेटियों को देखा जायदाद की वारिस बने ना बने लेकिन बाप की चरपाई की वारिस जरूर बन जाती है। हमने बेटों को कहते देखा, कहते हमारे बाप ने हमारे लिए ये किया है, हमने बेटियों को कहते देखा काश मेरे बाप जिंदा होते तो यूं हो जाता। मेरे बुजुर्गों मैं आपसे अर्ज करूंगा, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटियां अता फरमाई हैं इन्हें बोझ न समझना, इन्हें रोजाना सर पे हाथ रख के दुआ और प्यार दिया करो, और दुआ क्या करो इलाही ऐसे घर के अंदर मेरे घर का पौधा लगे, अल्लाह ऐसी जगह सब फूल खिले ताकि अल्लाह हमेशा साया हो, या अल्लाह धूप का सोएक न देना, वरना खुदा की कसम बेटियां बड़ी नाजुक हुआ करती हैं, वो तो धूप के सेक से ही मेरे दिल तो बेटियों का चेहरा मुड़ जा जाया करता है। जो अल्लाह ने तुम्हें मानते तुम्हारे घर के अंदर दिए, मेरे अजीजो मत अखलाक मत मिजाज मत बनना, मुस्कुरा के बात कर लिया करो, मियां बीवी के मुस्कुराने पे अर्श वाला भी हंसने लग जाता है। वो कहने लगा अल्लाह वाले बात नहीं बनती, फरमाया तेरे मर्ज की तशखीस करता हूँ, क्या तशखीस है, फरमाया मैं तेरा इलाज बताता हूँ। अल्लाह वाले क्या इलाज है, फरमाया कब तो न छोड़ दे खुदा तेरी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। अपनी दुकान पर चला गया, अल्लाह अकबर, पेंटर को बुलाया और कहने लगा यार लिख दे ऐसे भी दूसरी दुकानों से कम दूंगा, सौदा भी पूरा तोल के दूंगा, मेरा तोला हुआ सामान किसी दुकान पे ले जाओ, अगर एक चिट्ठा भी कम हुआ पैसे वापस कर दूंगा। अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई, इतनी बरकत अता फरमाई, चल दिल के बाद घर पे बंदर पत्थर मट्टी के तो क्या सोने के बनने लगे, हत्ता के तोड़ने वाला तराजू भी सोने का बन गया। एक दिन तराजू के बाद पत्थर रखता हुआ हाथ के अंदर वो सोने का पत्थर पकड़ के कहने लगा लगता है मेरी हलाल की कमाई का, लगता है मेरे नाप तोड़ने का सिरा अल्लाह ने दुनिया में दे दिया, इतनी दुनिया आ गई, पहले उधार नहीं चुका सकता था, अब तो बर्तन भी सोने के बन गए।
अपने सर से पगड़ी उतारी। पगड़ी उतारने के बाद उस तराजू को उस पगड़ी में लपेटा, उसे अल्लाह वाले के पास चला गया और जाके कहने लगा, इतनी दुनिया तो मैंने थोड़ी नहीं मांगी थी, इतनी मैंने मांगी थी अल्लाह गुजर बसर हो जाए, इतनी थोड़ी मांगी थी कि घर के बर्तन भी सोने के बन जाए, फिर औरियत मेरे अंदर आ जाए, अल्लाह वाले से मेरी जान छुड़ा दे, बस हलाल की मिल गई जिसको खा के खुदा का शुक्र अदा कर सकूं। अल्लाह वाले मैं इतनी दुनिया नहीं लेना चाहता। जहां अल्लाह वाला बैठा था सामने नदी नाला बह रहा था, अल्लाह वाले ने फरमाया बता तवीज दू या इसका इलाज कर दो। अल्लाह वाले क्या इलाज करेगा, फरमाया इस तरह जो उठा नदी में फेंक के चला जा, दोबारा मुड़ के ना देखियो। कहने लगा दिल में ख्याल आया, कोई बाली तो नहीं, कोई सिक्का तो नहीं है, कोई कोका तो नहीं, कोई चूड़ी नहीं, कोई कड़ा नहीं है, सोने का तराजू है। अल्लाह वाले कहने लगे मेरे पास तो इसका यही इलाज है। तराजू उठाया उसके सामने नदी में फेंक के चला गया, फिर अपनी दुकान पे जाकर रोजी रिज़्क़ की तलाश में लग गया। उसका नाम तो आसपास की बस्तियों में मशहूर था। अगले दिन परले गांव से एक आदमी उसकी दुकान पर सौदा लेने के लिए आया, सौदा भी एक नंबर मिलेगा, पैसे भी दूसरी दुकानों से कम लेगा, नाप तोल के अंदर भी कमी नहीं करेगा, ज्यादा ही देगा। इस नियत से सौदा लेने आया, नदी को पार करने लगा, अचानक पांव की ठोकर उस तराजू के साथ लगी। जो नीचे नीचे हाथ डाल के देखा वो गठड़ी तराजू वाली मिली, खोली तो सोने का तराजू था। फौरन दिमाग में याद आया, ओहो ये तो उसी भाई का है जो सौदा भी पूरा देता है, पैसे कम लेता है, लगता है रात चोर उसकी दुकान में पड़ गए होंगे। अल्लाह हू अकबर, इस नियत से कि मैं उसे जाऊंगा, उसका तराजू वापस करके आऊंगा, वो खुश होगा। गठड़ी उठाई, दौड़ा दौड़ा उसकी दुकान पे गया, जाके अंदर झांक के छत देखी, कहने लगा फटी कोई नहीं, दरवाजा देखा टूटा कोई नहीं, दरवाजा दीवार देखी फटी कोई नहीं, कहने लगा अल्लाह वाले कोई चोर आए थे, नहीं नहीं फिर तेरा तराजू ये नदी में पड़ा हुआ था, लगता है डाकू ले गए तुझे पता ना लगा। उस अल्लाह वाले की दुकानदार की चीख निकली, कहने लगा हाय रे बदनसीबी, ये माल तो मुझे जहन्नम में पहुंचा के छोड़ेगा। तराजू को छोड़ा, माल को तोलना छोड़ा, उसी अल्लाह वाले के पास चला गया और जाके लगा अल्लाह वाले इतनी तो कनी कहा था कि दुनिया की दुआ कर के माल से भाग रो, माल मेरा पीछे नहीं छोड़ा। जब मस्जिद नबी में माल गनीमत के ढेर लगे, सुबह से शाम गुजर गई, एक दिरहम भी उठाने वाला कोई ना आया। मिंबर से ऐलान हो रही, फरमाया सहाबा ले जाओ जो भी तुम्हारी जरूरत है। वो सहाबा को मानते बल्कि हुजूर के कदमों में बैठ के रोने लग गए, चले कमली वाले पहले इस बात की तस्दीक कर दे कि हमारी मेहनतों का बदला अल्लाह ने दुनिया में तो नहीं दे दिया, अगर मेहनतों का बदला दुनिया में गया इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, थूकना भी गवारा नहीं करते। बताए बाप की कसम है जब दिल से बाप की मोहब्बत निकाली और कुरान ने बार बार उतर कर उनके दिलों के अंदर सीधों में रसूला के कुल मता दुनिया मली, जितना भी कमा लो है थोड़ा, पिंड के बना लो कलील है, हवाल के अंदर एक इख्तदार के ओहदों पे बैठ जाओ कलील है, प्लाजे बना लो कलील है, प्रॉपर्टी खरीद लो कलील है, बैग बैलेंस भर दो तो बना लो कलील है, बल आखिरतु खैरुल लिमन तक्का अला तुज़लमून फ़तीला। अल्लाह वाले मैं क्या करूं, अल्लाह वाले कहने लगे बता अब तेरा इलाज करूं या तशखीस कर दूं। अल्लाह वाले इलाज क्या, कहा मैंने पहले तुझे कहा कि नाप तोल में कमी छोड़ दे, तुझे अमल किया फायदा हुआ, कहा फिर मैंने तुझे कहा ये सोने खतरा नदी में फेंक दे फायदा हुआ, अब मैं तुझे बताऊं इंशाल्लाह अब तुझे इतना फायदा होगा कि मौत तक किसी के आगे हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम मैंने तुझे इब्तदा में कहा था उस काम को संभालने रखना। अल्लाह वाले क्या काम, का ये कल तेरे से तराजू मैंने पानी के अंदर फिटवाया, यही तो बुलाना चाहता था, हराम का माल दोनों हाथों से कमा अपने पास रखिए जा के रहेगा और हलाल का माल कहीं भी फेंक के आ जा वापस आ के रहेगा। आज इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाह सारे नेक लोग हो, आप सारे हलाल कमाते हो हलाल लेके आते हो, लेकिन मेरे अजीजों रात को बैठ के सोचो आज बच्चों ने नमाज नहीं पढ़ी, पूरा एक साल हो गया मेरे घर के अंदर कुरान किसी ने खोल के नहीं देखा, एहसास हुआ कभी? पेट्रोल 2 रुपए महंगा हुआ, डिप्रेशन की गोली खा के सो गया, अल्लाह अकबर, घर के 9 फराद नमाज का सजदा ना किया। आज एक आपको छोटी सी बात बता के जाऊं, मेरे चांद मेरे प्यारो, जोर की नमाज में पहली सब में नजर आते हो, मैंने मार्केट के अंदर ऐसे लोगों को देखा जोर असर मगरिब इशा चारों अजाने अल जल्दी सब में जाके देंगे, पहली सब से नमाज ही, लेकिन फजर की नमाज सुबह 10 बजे उठ के पढ़ेंगे,
मौली साहब मेरे लिए दुआ फरमाओ, सारी नमाजें तकबीर औला के साथ पढ़ता हूँ, भजन मेरे से पढ़ी जाती। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपनी दुकान पे होते हो दुकान वाले भी मुलाजिम है, मुलाजिम भी नमाजी है, दुकान का मालिक भी नमाजी है, मस्जिद के पड़ोस में तेरी दुकान है, अक्सर तो नमाजियों को आता जाता देखता है, चार नमाजों की तौफीक मिली ताकि नमाजियों का माहौल होता है, जब रात को घर के अंदर सोता नाराज होना, तुझे रोटी पका के देने वाली बेनमाजी, सामने कमरे में सोने वाले तेरे बच्चे बेनमाजी, बाएं कमरे में सोने वाली तेरी बहू बेनमाजी, तेरा 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 बेटा बेनमाजी, बेटे जहाँ पे वो नमाज बेनमाजी, नवासे बेनमाजी, पोते बेनमाजी, कितने घर के बेनमाजियों के दरमियान, जब दरमियान में तेरी चरचाई हो जाए, रब्बे काबा की कसम फरिश्ता तो तुझे उठाता है, इनकी नहुसत तुझे उठाने देती है। आज मेरे प्यारों घर के अंदर जाते हो, आज मेरे सालन दिखाना, मुझे आमलेट बना दो, आज फलानी चीज बना दो, आज मौसम भीगा भीगा लग रहा है, मुझे फलानी डिश बना के दो, आज अपने घर जाना और कहना मेरा ईमान और मेरा कमजोर लग रहा है, मेरे दिल पे सख्ती आई हुई है, बड़ी से बड़ी परेशानी पर मेरी आंख में रोना नहीं आता, मेरी बीवी आज एक काम कर, आज वुजू करके दो नफिल पढ़ के आटा गूंथ ले, जब तक खाना पका दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चमचा चला, बताया पाक की कसम दुनिया की तुमने बड़ी बड़ी से बड़े बड़े होटलों में खाई होगी, नमाजी औरत का कुरान की तिलावत दूसरी पढ़ते पढ़ते खाना पकाने वाली औरत का तुम हाथ पांच की रोटी खा के देखोगे, खुदा की कसम सारी रात तुम्हारे दिल पर खुदा की तरफ से नूर की बरसात होती रहेगी। जाओ मेरे वीरों, आज जाकर अपने घर में ऐलान कर दो, और मैं जब मेरा बिस्तर बिछाया करो तो दुरूद शरीफ पढ़ के मेरा बिस्तर बिछाया कर, कलमा तैयबतुल कुर्सी पढ़ के मेरे बिस्तर पे हाथ फेर दिया कर, अजल कुर्सी पढ़ के मैं तो नहीं पढ़ सकता तो पढ़ के चारों तरफ फूंक मार दिया कर, अल्लाह शैतान उसकी बदलिए किसी मेरे बिस्तर की इबादत फरमाएगा। लेकिन हाय मेरे अजीजों, मेरी बदनसीबी, मेरी बदनसीबी, हमारा ड्राइंग रूम देख लो, हमारा मेरे अजीजों बेडरूम देख लो, स्लीपिंग रूम देख लो, डाइनिंग हॉल देख लो, हमने दुनिया को दिखाने के लिए इतनी इतनी बड़ी टीवी की स्क्रीन लगा रखी है, जब रात को सोते हैं दो दो घंटे मैसेंजर पर, दो दो घंटे व्हाट्सएप पर, दो दो घंटे फेसबुक पे लगाते हैं, क्या सारी तस्वीरें कुरान पढ़ने वालों की नजर आती है, क्या सारी तस्वीरें आपको इमाम काबा की नाद पढ़ने वालों की नजर आती है, अल्लाह अकबर, गुनाह वाली चीज पर हाथ तुम्हारा जल्दी जाता है, किसी की इज्जत का खिलवाड़ हो रहा होता है, किसी की बच्ची को जलील किया जा रहा होता है, अल्लाह अकबर मुसलमान हो, अल्लाह अकबर मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का परचम लहराते दिखाया, सुल्तान महमूद गजनी में तलवार चलाते दिखाया, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सजदों में रो के दिखाया, मैं उम्मत को नौजवान के आदतों को क्या कहूं जो व्हाट्सएप पर फेसबुक पर मूवी बना के चढ़ा रहा है, एक औरत मोटरसाइकिल पे जा रही है उसके पीछे से लाइटें मारता हुआ जा रहा है, थूक की होगी सारी दुनिया, थूक की होगी सारी दुनिया, तुमने 5 फरवरी को ऐलान किया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब ये तेरी तस्वीर जारी होगी कि तेरे मोटरसाइकिल की लाइटें एक औरत के चश्मे और उसकी फाटी पे पड़ रही होगी, तो कश्मीर की बेटी कह रही होगी बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा, तुम तो अपनी की नहीं बचा सके, हमारी वजह से बचाओगे। मुझे आप जवाब दो किस चीज का है, मैंने कहा राज तो नहीं होंगे, मुझे बताओ मैं हंसूं किस बात पे। मैंने आपको नहीं कहा, मैं अपनी तरफ जा रहा, बहनों ने मेरी दुपट्टा उतार दिया, बेटी मेरा सजा नंगा करके मेरे सामने आ गई, मैं हंसा किस बात पे, मेरे बच्चों ने अजान की आवाज सुनी, रजाई के अंदर मुंह दे दिया, मैं हंसा किस बात पे, कलमे के बाद दूसरा हुक्म नमाज का है, उम्मत का 75% तबका नमाज नहीं पढ़ता, मैं हंसा किस बात पे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अल्लाह करे बन जाए, लेकिन बनता नजर नहीं आ रहा, किस चीज का कैलेंडर बनाया मेरे अजीजों, हमारा तो आज तक खतरे का कोई मामला नहीं हल चुका, हल हो सका कि रेप मोटरवे पे हुआ था या रिंग रोड पे हुआ था, असेंबली के अंदर ये बहस होती रही, ये मुल्क बचाएंगे, आज किसी मौलवी साहब के हाथ से किसी तालिबान को डंडा लग जाता पूरा मुल्क के अंदर आ जाता,
क्या यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने 1.5 लाख लड़की से वसूल किया, उसकी इज्जत का खिलवाड़ किया, उसके हमल को जाहिर करने के लिए गलत जलसा लगवाया, कैमरे की आंख ने देखा उस औरत को कि नाले में फेंकने जा रहा है, कौन सी एनजीओ हरकत के अंदर आई, कौन सा मीडिया हरकत के अंदर आया, फिर मैं रो के अपने पे क्यों ना रोऊं और मैं फिर क्यों ना कहूं कि दिल के पखोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। काफिरों को तो मौका ही नहीं मिला हमारा बेड़ा गर्क करने का, उन्होंने कहा ये खुद ही लड़ के मरेंगे, इनका बेड़ा गर्क खुद ही हो जाए, तो तमाशा देखेंगे बैठ के। जिस नौजवान का मकसद ये हो कि मैंने अच्छा सा मोबाइल देना है, बताओ वो दीन की मेहनत दीन का काम क्या करेगा। बस यार अब तो मेरी हसरत ये है 1 to 5 हो, चैन सोने की कलाई में हो और गले में सोने का लाखी दो, और 1 to 5 एक बेहतरीन मोबाइल हो, लश लश कपड़े और हाथ का बना हुआ जूता हो, फिर मेरे टोर टोर है, ये कश्मीर की बेटी को छुड़ा के लेके जाएगा। 1978 के अंदर मौला कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इंडिया के दौरे में गए, फरमाया मैं मानीपत की गली के अंदर मस्जिद में ब्याह करने जा रहा था, एक औरत घर के बाहर झाड़ू दे रही थी, जब लोगों ने देखा मुझे एक औरत भी पूछने लगी ये कौन है, ये मुल्ला कहाँ से आया, कब पाकिस्तान से आया, कहने लगी मुसलमान है, हाँ क्या मैंने इससे बात करनी है। हरी साहब कहते हो उस औरत ने मुझे बुलाया, मेरा बेटा साथ था, उस औरत ने मुझे बुलाया, कहने लगे मुसलमानों का हाँ माइग्रेट इंडिया से जल करके गए वहाँ, डूब के मर जाओ, 1947 में गए थे, 78 आ गया, 2831 साल हो गए, जब बॉर्डर के पास लोग वादा नहीं करके गए थे हम दोबारा आएंगे, तुम्हें हिंदुओं के शिकंजे जैसे छुड़ा के लेके जाएंगे, 31 साल हो गए हिंदुओं के बिस्तर से लेते हुए उनके बच्चे पैदा करते हुए, सुबह सुबह पाकिस्तान आदर उदर करके झोली फैला के कहते हैं अल्लाह हमारे भाइयों की खैर फरमा, जब वो मुजाहिद बन के मैदान के अंदर आएगा हमें हिंदुओं के तसल्लुक से छुड़ा के लेके जाएगा, अभी के बच्चों को संभालते संभालते बूढ़ी हो गई, अल्लाह अकबर, वहां से बरअबड़ी का पैगाम तो आया, वहां से हमारे लिए आजादी का पैगाम कोई नहीं आया है। दो जवाब उस बहन को, नाराज ना हो मुसलमान हो, अपने कितने काफिरों को पाकिस्तान से, अपने नबूवत के गद्दारों को कितने को पाकिस्तान से बाहर भेजा, अब एक डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी को ला सके नहीं, बीमारी हमारे पास पैसा तो बड़ा है लेकिन हमारे पास ईमान की रखी भी कोई नहीं। पिछले महीने डॉक्टर आसिया सिद्दीकी का उसकी बहन के पास फोन आया, पूरे मीडिया ने दिखाया, क्या फोन था, डॉक्टर आसिया अपनी बहन को रोती कह रही थी कि कल रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में मुझे ज़ियारत हुई, हुजूर जेल खाने में आए, मेरे सर पे हाथ रखा, मैंने कहा अल्लाह के नबी कब तक मैं लुटती रहूंगी, कब तक मैं इज्जत बवालों की नहीं गई, रहमत वाले नबी ने सर पे हाथ रखा, फरमाया बेहतरी वाले भी आने वाले हैं, अल्लाह के नबी मेरे पे आजमाइश है, फरमाया अभी तो आजमाइश की तो मराइश से गुजरी नहीं, क्या तेरे जिस्म को लोहे की कंघियों से छील दिया गया, क्या तुम्हारे पर आगे चल गए, क्या तुम्हारे बच्चों को आग में डाल दिया गया, अल्लाह की तरफ से बात है, अन करीब बेहतरी वक्त आएगा, तब बस ये का फोन कट गया, पता नहीं अल्लाह के नबी ने उसे क्या क्या कहा था, ओ लोगो खुदा का नबी साहब जाकर तसल्लियां दे रहे और मुसलमान का सभी का बोल नहीं बोला, कहता हमारा काम नहीं मौलवियों का काम है, फिर आज आलिम के देखे चले जाओ कबूल भी जन्नत में जाएगा, बाकी कोई जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत के ठेकेदार तुम बनो, रगड़े बोलियों को आए हमारे पास बचा ही क्या है। मेरे अजीजों जब मैंने शुरू में बात की थी, फरमाया जब इंसान गाड़ी में होता है पैदल होता है मार्केट के अंदर सोचा साबुन लेने के लिए, बारिश आ गई जल्दी से दुकान के छपरे में जाएगा, दुकान के अंदर जाएगा, पेट्रोल पंप के छत छत के नीचे जाएगा, क्यों, ताकि बारिश से बचा जाए। इस साल इतने अल्लाह वाले, इतने बड़े अल्लाह, इतने आलिम दीन, इतने शेख नबी, कुछ कोरोना की नजर हो गए, कुछ प्रति भी मौत आ गई, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों जब आंधी तूफान आता है माँ दरवाजा खोल के खड़ी होती है, अपने बच्चों का नाम लेके कहती है आज अंदर बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, अल्लाह भी अपने बंदों को एक एक करके बुला रहा है, वापिस आज दुनिया के अंदर कुछ होने वाला है, अकल बदा आदमी मौत मरने से पहले मेरे अजीजों आगे की तैयारी कर ले। अगली बात तो नाराज ना होकर चले जाना कि कारी साहब कैसे मौलवी बुलाया था, क्या बात करके चला गया, जाओ जाओ कब्रिस्तान के अंदर चले जाओ, उलमा को निकाल कर, सुलाहा को निकाल कर, नेक बंदों को निकाल कर, सारे बेवकूफ सो रहे हैं, मौलाना वकील भी सो रहे होंगे, अल्लाह के उनके उनको उनकी खबर अच्छी बने,
जज भी सो रहे हैं, मानदार भी सो रहे हैं, शेख भी सो रहे हैं, बट फैमिली वाले भी सो रहे हैं, वहां सो रहे हैं, मैं कहूंगा सारे बेवकूफ सो रहे हैं। बोला मैंने तो बड़ी बड़ी आला तली याफ्ता लोग थे, मैंने कहा बेवकूफ थे। कह लगे क्यों? मैंने कहा बच्चा जब स्कूल जाता है अल्लाह अकबर किताबें यूनिफॉर्म और बैच हाथ लेके जाता है, अगर बच्चा किताबें छोड़ के जाएगा और बेशक मिनिस्टर का हो या फकीर का हो उस्ताद उसे डंडे मारेगा, पता नहीं साहब कहाँ छोड़ के आया, जो निसाब कब्र के अंदर लेके जाना था वो कदमे की सूरत में कब्र के ऊपर ही छोड़ के चले गए, कब्र के ऊपर लगा के चले गए। मैं इन्हें गलमत क्यों कहूँ, ये तो परले दर्जे के बेवकूफ है, जो चीजें कब्र के ऊपर लगा रखी है वो चीजें तो कब्र के अंदर लेके जानी चाहिए थी। काश फरिश्ता कब्र में तेरे कदमों को हिलता देखता, तेरे सीने में कुरान का नूर देखता, तेरे से हिसाब उठा लेता। इस्लामाबाद के लोग और रावलपिंडी के लोगों, खुदा के वास्ते मैं आपसे ग्रस्त करके जाऊंगा, दुनिया की आला से आला बॉडी से पेड़ लगाते हो, दुनिया का आला से आला इधर खुशबू लगाते हो, उतारा उतारा ये खुशबू लोगों को बांटता है, कहते यार बड़ी खुशबू लगा रखी है कहां से लेके आया, ये खुशबू ऐसी लगा के चले जाओ ताकि फरिश्तों को मजबूर कर दे, फरिश्तों को सोचने पे मजबूर कर दे, वो खुशबू कौन सी जिसको मलकुल मौत मौत के वक्त आके सूंघता है, कंधे सूंघता है, नाक की नथों को सूंघता है, आंखों को पलकों को सूंघता है, माथे पेशानी को सूंघता है, उंगलियों के कोरों पांव की तलियों को सूंघता है। दूसरे फरिश्ते कहते क्या सूंघ रहा है, मैं सूंघ रहा हूं कि वुजू करके मस्जिद में जाते हुए इसके पैरों से खुशबू आ रही है कि नहीं, हथेलियों से सज्दे की खुशबू आ रही है कि नहीं, सुबह से सुभान रब्बिल आला की खुशबू आ रही है कि नहीं, इसकी आंखों से सूंघ रहा हूं कभी अल्लाह के लिए भी रोया कि नहीं, औलाद के लिए रोया, माल के लिए रोया, किराए से बकरा के मकान से झुकाने के लिए रोया, कभी तनहाई में अल्लाह को पाने के लिए रोया, अल्लाह के रसूल का साथ साथ मिल जाए इसलिए रोया। फरिश्ता सूंघता है, अगर खुदा की कसम एक भी खुशबू नहीं आती फरिश्ता जूते मारता बोले जाता है। हदीसे पाक में आप मुत्तज़िल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले जाने के लिए तैयार ही होता है और कहता है खुदा का अमर मौत है, मैं तुझे कभी ना लेके जाता, तुझे देख जाता। फिर ये जब उड़ जाती है रहमते दो आलम ने फरमाया जैसे चार बच्चे खेल रहे हो और बाल को इधर करते, उलमा ने फरमाया ऐसे सुरों को फरिश्ता यूं फेंकता है तू ले जाओ, कहते मैं लेके जाता तू ले जा। जब पहले आसमान पर उड़ जाती है दरबार पहुंचते किसको लेके आए, किसने आसमान के सारे माहौल को गंदा कर दिया, कहता बे नमाजी को लेके आए, कहते उसको ठिकाने में उसे जमीन के नीचे फेंक दो। फिर फरिश्ता आसमान से यूं करके रूह फेंक जाए जमीन के निचले हिस्से से जीप से भर जाके गिरती है। कोई पैसा खर्च होता है नमाज पे नहीं, तो मेरे वजीद आज 24% तबका उम्मत नमाज पर, उम्मत का तबका नमाज के उस पर आ जाए, आज नियत करके उठो। मैं यूं नहीं कहता नहीं पढ़ते, पढ़ते हो लेकिन अपनी नमाज की और पाबंदी करने वाले बन जाओ। ऑफिस से निकले बुजुर्ग की जगह नहीं थी, प्यास लगी मुसल्ली का जूस तो मिल गया, प्यास लगी आपने गन्ने के रस की मशीन ढूंढ ली, अगर नमाज कजा हो रही थी मस्जिद क्यों ना ढूंढी, हैंडपंप क्यों ना ढूंढा, कदम कदम पे सभी ने लगी हुई है और चंदा पूरा बुजुर्ग करता फर्ज ही पूरे करके नमाज पढ़ लेता, अल्लाह तेरे इस फर्ज पर भी तुझे पूरा जरा जरा फरमा देता। नियत करो इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे तो इंशाल्लाह। आज मेरे अजीजों मैं तो झोली फैला के दुआ करता हूँ, जाए आज मैदान आज बोंड भी है, अल्लाह करे या दीन का मरकज बन जाए, या से जमातों की नकलो हरकत हो जाए, या नूर इरफा का मरकज बन जाए, इस हिस्से में मदरसा कायम हो, कुरान की तिलावत की आवाज आए, हदीस का नूर पूरे इलाके में फैले, इधर मेरे अजीजों अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बन जाए, इधर तसव्वुफ का सिलसिला शुरू हो जाए, तरबियत भी हो जाए, इल्म अमल की नस्बत भी नसीब हो जाए। मेरे अजीजों अल्लाह का घर दुनिया के अंदर बना लो, खुदा की कसम अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। नमाज तो बख्शिश की गारंटी कोई नहीं, कबूल करे ना करे उसकी मर्जी, लेकिन ऐसी चीज हुजूर ने अपनी जुबान से कह दिया, मम बना लिल्लाह मस्जिदा बना अल्लाह लहू बैतन फिल जन्नत, पर मैं जो अल्लाह का घर दुनिया में बनाए अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देता है। बताओ नबी की बात गलत हो सकती है? नबी की बात सच्ची, जिसकी बात कर रहे वो सच्चों में सच्चा है। अगर मैं यूं कहूं कोई आदमी 200 रुपया मस्जिद के लिए दे, अल्लाह की कसम उसका चेहरा देख लो मोहम्मद अरबी ने उस आदमी को जन्नती आदमी कहा है। हजरत तमीमे दारी रजी अल्लाह तआला जब दमिश्क से आए अपने लिए अपने साथ तेल और चिराग लेके आए, आज से पहले मस्जिद नबी में कभी कोई चिराग न जला था, मस्जिद में कभी तेल जल के चिराग की रोशनी हुई थी, इशा की नमाज का वक्त था, तमीमे दारी रजी अल्लाह तआला चिराग लेके आए और मस्जिद की छत के साथ कंदी ने लटका दी, फिर उनने तेल डाला कोई रखे फिर चिराग जला दिए, हदीला ने अल्लाह दी हुजूर नमाज के लिए तशरीफ लाए, मस्जिद को रोशन पाया और एक दूसरे के चेहरे नजर आए, मिंबर पर आए।
محراب بن گیا ہے، وہی دروازے کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ اللہ کے گھر کو کس نے روشن کر دیا؟ جس نے کیا تھا اس نے یونی کا جی میں نے کیا، میں نے کیا، پکے پہ میرا نام لکھ دو، بس اس کو بنیاد پر سنگ مرمر کی پلیٹ پہ دان لکھ دو، یونی اس نے کہا کولر میں میرا نام لکھ دو، نہیں نہیں چھک چھک کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کس نے کیا؟ وہ تیرا تمیم داری بیٹھا اس نے کیا۔ حضور علیہ السلام نے نہ پاس بلایا نہ پاس گئے، ان کو دیکھتے ہوئے نبوت والا دامن پھیلا دیا، تمیم داری نے اللہ کے گھر میں قلم جلایا، اللہ تیری مغفرت فرما دے، اللہ تیرے بچوں کے اوپر برکت عطا فرما دے، اللہ دنیا آخرت میں تجھے میری قسمت نصیب فرما دے۔ بے فرما صاحب سنو ایسے ایک اور دعا کو، فرمایا تمیم داری نے اللہ کے گھر میں روشنی کی، اتنا میں خوش ہوا، کاش اگر کوئی میری بیٹی بچی ہوتی محمد اس کا تیرے ساتھ ادا کر دیتا۔ ایک چراغ کے جل جانے پر اللہ کے نبی بیٹی دینے کو تیار ہے، جو خدا کے گھر کو لاکھ روپے دے گا، اینٹے دے گا، تمہیں بلاک دے گا، جو بوریے دے گا، میرے عزیز جو کام کروائے گا کتنا ناراضی ہوگا۔ ایک ہوتا ہے نیکی کا کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کا ساتھ لے کے جانا۔ میں نے نماز پڑھی نیکی کی، قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، نیکی ساتھ لے کے گئے، مسجد بن رہی تھی، ایک سیمنٹ کی بوری دے دی، اس سیمنٹ کی بوری کہاں لگی؟ مسلے والی جگہ پر۔ قیامت تک سجدہ ہوتا رہے گا یہ نیکی تیرے ساتھ قبر میں جاتی رہے گی، یہ میدان محشر میں جاتی رہے گی، یہ پل صراط پہ نیکی تیرے ساتھ ہوگی، حضور روضہ کوثر پر نیکی تیرے ساتھ ہوگی، میدان عدل میں فرمایا نیکی تجھے ایسے سی بڑھ جائے گی جب تک جنت کی چوکٹ پار نہ کروا دے، نیکی تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ کسی ایسے جگہ جہاں کی کوئی انتظار نہ ہو۔ مسلمانوں اسلام آباد کا کوشش یہ ہے، اللہ اکبر، یہاں تمہیں طالب علم قرآن کا نظر آئے گا، اس کے کپڑے بھی سفید نظر آئیں گے، اس کی بیٹھنے کی جگہ بھی سفید چادر نظر آئے گی، اس کے سونے کی جگہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ آئے گی، لوگ عزت کریں گے، ابا جان کے لیے دعا فرما دو چاولوں کی دے گیا جائے گی۔ میں پچھلے ہفتے کوٹکو کے علاقے میں گیا، مجھے ایک مولوی صاحب عمر رسیدہ تھے نمبر، مجھے کہنے لگے دعا کے لیے آ جاؤ، حالانکہ میں نے کہیں اور پروگرام پہ جانا تھا، میں ایسے مدرسے میں دعا کے لیے چلا گیا، خدا کی قسم سوتی جب بھائی اور آٹھ نو طالب علم کھانا پکا رہے تھے، ایک طالب علم آٹا گوندھ رہا تھا، کتنی عمر؟ 6 یا 7 سال۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 12 سال سے اوپر کا میں نے بچہ نہیں دیکھا، ایک 6-7 سال، 8-9 سال، ایک میرے عزیزوں کرنے کا جو غصہ ہوتا ہے اوپر کا چھلکا، اس کی آگ جلا رہا تھا اور پھوکے مار رہا تھا، ساری لالچ چہرے پہ آ رہی تھی، میں نے کہا کاش اس کی ماں دیکھتی کبھی اسے کرنے نہ دیتی، لیکن اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ہاں اس کی آنکھوں کے اندر وہ آگ کے ذرے جا رہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر پھوکے مار کے جو آنسو نکل رہے تھے، یوں کر کے آنکھوں کو صاف کر رہا تھا، کالے کپڑوں پہ لگ رہی تھی، اللہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے موبائل پر اس کا کلپ بنایا، میں نے کہا ذرا زوم کر کے آگے کر کے تصویر لے، اتنی بڑی ہڈیا کالی ہوئی پڑی تھی، میں نے کہا خدا کی قسم ان بچوں کو، ہمارے گھر کے بچوں کو تو پوٹی دھونا نہیں آتی، یہ روٹی پکا رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تیرے میرے اعمال دیکھے گا، تیری میری نیکیاں دیکھے گا، لیکن ان قرآن والوں کو کیا دیکھے گا؟ اللہ فرمائے گا وہ اپنی اسی عمر کے نندے نندے مجھے ہاتھ دکھاؤ، روٹی تمہیں پٹالتے تھے، تبا گرم تمہاری بگلیوں پہ لگتا تھا، جب تو فو فو کیا کرتا تھا تجھے برنون لگانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، جب تو فو فو کیا کرتا تھا آسمان پہ دیکھ کے سالت میں تجھے مسکرایا کرتا تھا، نہ تیرا کیا حساب ہو، تیرے تو ایک چھالے کا کوئی حساب نہیں دے سکتا، آ جا میرے عرش کے نیچے نور کے ممبروں پہ بیٹھ جا، آج میں تیرا حساب ہوں تو مجھے خدا نہ کہنا، بغیر حساب کے تجھے جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ کرونا وائرس ہوا میرے عزیزوں، لوگوں نے زکات روٹوں پر آ کے تقسیم کی، کرونا وائرس آیا لوگوں نے راشن کے تھیلے ان لوگوں کو دیے جنہوں نے راشن کے تھیلے اپنے گھر میں چار چار گھنٹے کے رکھے آگے بیچنے شروع کر دیے، لیکن قرآن والوں کو کسی نے دیکھا، ویسے تو میں مدرسوں کی نشان نہیں کر سکتا ہوں جب 10-10 مہینے سے اساتذہ کو تنخواہ نہیں دی، میں ایسے مدرسوں کو تمہیں بتا سکتا ہوں جنہوں نے اپنے مدرسے کے بچے دوسرے مدرسے کے اندر بھیج دیے، ایسے مدرسوں کے بچے تو میں مدرسوں کے حال بتا سکتا ہوں، اللہ اکبر، میرے عزیزوں کے جہاں راشن والوں نے راشن دینا بند کر دیا، او لوگوں تم رمضان کا انتظار کر رہے ہو، نبی کے مہمانوں کے پاس کھانے کو روٹی کوئی نہیں، تم اپنے کچن کو دیکھو، صبح صبح انڈا بریڈ لیتے ہو، پھر 11 بجے ناشتہ دیتے ہو، پھر ٹیفن کے اندر کھانا لے کے جاتے ہو، گھر والی کہتی یا آج سے جوس پی لینا، موسمی کا پی لینا، گاجر کا پی لینا، خون صاف ہوگا، پھر رات کو گھر آئے، پھر آپ نے کھانا بھی کھایا، پہلے آپ کی چائے پھر کھانا کھایا، پھر ڈرائی فروٹ کھایا، رات کو دودھ پیا، جاؤ میں ان پنڈی کے
مدرسے میں چلے جاؤ ان کو صبح 8 بجے 2 روٹیاں چلے کی دال ملی تھی اور 1 پلیٹ نے 4 بچوں نے کھایا تھا, اب شام کو عصر کی نماز کے بعد ملے گا, پھر 5 بجے کے بعد اگلے دن 8 بجے 13 گھنٹے کے بعد 15 گھنٹے کے بعد روٹی ملے گی. کیا ان بچوں کا دل نہیں ہے؟ کیا ان بچوں کا کھانے کو دل نہیں کرتا؟ جو تیرا میرا بچہ اس یہاں مارٹ پہ جاتا ہے, دکان پہ جاتا ہے, وہ پوچھتا نہیں یہ پاپڑ کتنے کا, سیلری کتنے کی, کہتا انکل یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, انکل جی میری ہیلپ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, کتنے میرے 200 یہ لے, اب 10 روپے انکل آپ رکھ لے, دے کے چلا گیا. اب قرآن والا بھی کہتا اچھا اچھا کتنے کی, اچھا اچھا یہ کتنے کی, پھر دوسرے کہتے میں بھی گھر جاؤں گا, میں اپنے اپنے سے پیسے لے کے آؤں گا. اللہ فرماتے جب دکان پہ کھڑا 10 روپے کی سلیٹی کو ترستا تھا, میں تجھے دے دیتا تھا, آج میں تجھے جنت کے میوے سے ترساؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہتا. اللہ دیکھ رہا ہے, وہ لوگوں تم نے رمضان میں زکاتوں کے کپڑے پہنائے, جاؤ طالب علموں سے جا کے دیکھو کسی کی آستین کا بٹن کوئی نہیں, کسی کی شلوار کا پیٹا پھٹا ہوا, کس نے چپل پہن رکھے, جوتے کے نیچے سوار ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, تم دنیا والوں حساب دو, قیامت اللہ حساب نہیں دے گا. آج کسی کے لیے تمہارے آگے میں جھولی پھیلانے کے لیے آیا. میرے عزیزو تم ذیشور لوگ ہو, تم امیر لوگ ہو, تم پڑھے لکھے لوگ ہو, لیکن میرے عزیز آج تمہارے لیے اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جھولی پھیلانے کے لیے آیا. کیا آپ نہیں چاہتے آپ کا پیسہ قیمتی بن جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کیا دنیا آزاد آپ کی قیمتی بن جائے؟ باہر آپ نہیں جاوے مسجد اقصا کے لیے, تیرے میرے گھر آس پاس تعمیر ہو رہے, مسجد کہتی اللہ مجھے کون تعمیر کرے گا, اللہ مجھے کون تعمیر کرے گا. ہے کوئی اہل دو, اے کوئی اہل دل والے, جب نہ حلال مال لگائیں گے اللہ کے حلال مال کو قبول کرے گا. یاد رکھنا اللہ پیسہ سب کو دیتا, قبول کسی کا کرتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ باشتے کی جیل میں جب پھانسی کیا ڈر آگئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے, شیخ العرب والا جب جب حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضرت پہلے تو آپ شہادت کا تمنا کے لیے سجدوں میں جا کے رویا کرتے تھے, اب شہادت کا آپ کو نقطہ نگراب آ گیا, اب روتے کو فرمایا بیٹے حسین احمد بات کس لیے نہیں کہ میرے لیے شہادت کے رتبے کا موقع آ گیا, ڈر کس وجہ سے رہا ہوں کہ جان اللہ زندگی میں ایک مرتبہ دیتا, زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے, دے تو اس کے راستے میں جو ڈر یہ لگ رہا ہے پتہ نہیں وہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, توفیق تو اس نے عمل کی دے دی ہے. میرے عزیزوں اللہ تمہیں نیک عمل کی توفیق دے, تو ہاتھ اٹھا کے قبولیت کے لیے دعا سو نکال دیا کرو تاکہ ہماری آج ہی کو دیکھ کے اللہ ہمارے مال کو قبول فرمائے. پہلے سب سے پہلے مجھے تین مرتبہ اللہ کے دربار میں مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. نیکی اور نیک نیکی والوں کے ساتھ لگائے رکھنا, برائی اور بری بھائی والوں سے اللہ میں دور رکھنا, انہیں بھی نیکی کی توفیق دینا. 5 وقت کی نماز کم از کم دین اتنا سیکھ لو کہ حلال حرام کا جائز ناجائز کا پتہ لگ جائے, اور اپنے بچوں کو اس قابل کر دو کہ مرنے کے بعد کبھی انہیں باپ یاد آئے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکے, اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ. پر نہ میرے لیے تو بد نصیبی بد نصیبی ہے, جاؤ قبرستان جاؤ اور قبروں کی حالت کو جا کے دیکھو, باپ مرا پڑا ہے, 10 بچے ہو گئے, سالوں جب بھی پھیرا مارنے نہیں آتا ہے. اپنے بچوں سے وعدہ لے لو جب تمہارا باپ جدا ہو کے قبرستان چلا جائے, باپ کو یاد کرنے کے لیے روزانہ قبرستان آ کے دو پارے, ایک پارا 10 مرتبہ کل اللہ ہی پڑھ کے چلے جانا, تمہارے باپ کا قبر کے اندر اللہ کام بنا دیں گے, یہ کرتے ہو انشاءاللہ. اب 5 منٹ ہے میرے عزیزو, اذان ہو رہی ہے, سچے سونے رب کا نام آ رہا ہے, نماز آپ بھی پڑھیں گے, نماز ہم بھی, کہ جانا مسجد اقصی کی تعمیر ہے. میں یوں نہیں کہتا دو جی, جب تک دو گلی آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا, سارے انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لوگے, پکا لوگے, بے شک اگر کسی کے پاس ہے نہیں قاری صاحب کو آ کے کان میں کہہ دینا انشاءاللہ میں بھی دوں گا, نہ دے سکے قیامت کے دن دینے والوں میں نام نظر آ جائے گا. تو اللہ کا گھر ہے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے, ان کٹوں کو مارنے کے لیے. میرے عزیزوں جیسے جماعت کو تیار کیا جاتا ہے, جماعت تیار ہوتی ہے سب سے پہلے کہا جاتا ہے برکت اکٹھی کر لو اور بستر لے آؤ, جب بستر برکت آ جائے گی تو اپنے آپ کو بھی اللہ سے قبول فرما لو. تو میرے عزیزوں انشاءاللہ اللہ کا گھر بن کے رہے گا, بنے گا انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا, پتھر بھی چنے ہوئے تھے, انتخاب تھا, مستری مزدور کا انتخاب تھا, گارے کا انتخاب تھا, حتیٰ کہ مزدوری کا بھی انتخاب ہو چکا اور مزدوروں کے لیے کھانا پکانے والی کا بھی انتخاب ہو چکا. جب سارے پتھر خدا کے گھر میں لگ گئے, ایک پتھر باقی بچا, ابراہیم علیہ السلام لے کے کھڑے ہو گئے, اللہ صحیح میں اس کا کیا کروں؟ ابراہیم علیہ السلام آئے, ابراہیم اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں لے کے یوں کر کے رگڑ دے. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو ہاتھ میں لے کے مسل دیا, اللہ کا عمل نبوت کی طاقت تھی. جب وہ پٹی سرما سرما ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس کا کیا کروں, میں پھونک مار کے اڑا دے. ابراہیم علیہ السلام نے پھونک مار کے اڑا دی, آ
मालूम एक बच्चे का सवाल यहाँ गिर गया, जिसे अल्लाह ने कबूल फरमा लिया।